लोकसभा चुनाव नतीजों में झटका लगने के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। ये बैठक 23 जून को राजधानी लखनऊ में होगी। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष समेत कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहेंगे, लेकिन खास बात ये कि आकाश आनंद को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया है। यूपी से प्रमुख रूप से कोऑर्डिनेटर्स और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, लेकिन चर्चाओं की माने तो इस बैठक से मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दूर ही रखा है। उन्हें बैठक के लिए बुलावा नहीं भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की हार पर समीक्षा की जाएगी। पिछले 6 चुनाव से बसपा लगातार न सिर्फ हार रही है बल्कि उसकी सीटें भी कम होती जा रही हैं और वोट परसेंटेज भी घटा है। 2012 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव और 2014 से लगातार ये तीसरा लोकसभा चुनाव, ये सब बसपा हार चुकी है। उसका वोट बैंक अभी तक माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ खसक रहा है, लेकिन इस बार उसके वोटर्स सपा और कांग्रेस गठबंधन की ओर चल दिए। इससे भी मायावती को तगड़ा झटका लगा है। बीएसपी इस चुनाव में पूरी तरीके से जमींदोज हुई है। बसपा जाटवों का अपना मूल जनाधार भी खोती सी लग रही है। माना जा रहा है कि मायावती का वोट बैंक अब खसक कर सिर्फ 8% के आसपास रह गया है और इस बार उसके अपने मूल वोटर्स में से 1/3 से ज्यादा में भी सेंध लग चुकी है। सिर्फ मूल जाटव वोटर ही नहीं बल्कि गैर जाटों, दलितों में भी मायावती का जो जनाधार था वो बड़ी तादाद में खिसका है। नगीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर का बड़े मार्जिन के साथ जीतना ये बताता है कि बसपा का वोट बैंक अब उसके साथ नहीं रहा। इस लोकसभा चुनाव में बसपा 2019 में जीती अपनी 10 सीटों पर या तो तीसरे नंबर पर रही या चौथे नंबर पर। बीएसपी कहीं भी दूसरे नंबर पर नजर नहीं आई। मायावती के लिए अब आगे की राह मुश्किल होती जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा का वोट बैंक लगातार खसकाया जा रहा है। मायावती की एकला चलो की रणनीति और बीजेपी की टीम बी का जो लेवल चिपका हुआ है उसके ऊपर, वो भी बसपा के लिए मुसीबत बना हुआ है। और इसी बीच चुनाव में बसपा के फायर ब्रांड नेता की छवि लेकर उभरे आकाश आनंद को पार्टी से फिलहाल हटा दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी में हार के बाद जो मंथनों का दौर चल रहा है उसमें तो आकाश आनंद को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी आकाश आनंद का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। दरअसल अपने एक भाषण में आकाश आनंद ने सरकार को आतंकवादी और तालिबानी बोल दिया था। इसके ठीक बाद मायावती ने तगड़ा एक्शन लेते हुए आकाश आनंद की आगे की जनसभाओं पर तुरंत रोक लगा दी थी। मगर अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे सामने हैं, तो मंथन की बैठकों में भी आकाश आनंद का ना होना किस ओर इशारा करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।